राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विकास भवन में संगोष्ठी का आयोजन। बोले डीएम, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका। सीडीओ बोले, राष्ट्र निर्माण में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सदैव से रहा है विशेष योगदान। रोजगार पाए अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। मछली शहर ब्लॉक पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। बोले सांसद बीपी सरोज, प्रदेश सरकार बेरोजगारों की समस्या को लेकर गंभीर बनी हुई है। रोजगार देने के लिए कंपनियों से वार्ता कर मेले के माध्यम से अवसर दिया जा रहा है। मछली शहर के ग्राम पंचायत बामी में दवा छिड़काव और फॉगिंग का हुआ कार्य। ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज सिंह ने करवाया कार्य। ग्रामीणों को नाली में पूरी रात पानी छोड़ने की मनाही। पूर्व में संचारी रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा आशा बहुओं के साथ निकाली जा चुकी है रैली। डीएम जौनपुर के सामने किसानों ने रखी अपनी समस्याएं। विकास भवन के सभागार में किसान दिवस का आयोजन। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। फिरोजपुर माइनर में टेल तक पानी नहीं पहुंचने पर डीएम ने XEN सिंचाई को समस्या दूर करने का दिया निर्देश। दीन दुखियों की पीड़ा समझते थे राजकेसर सिंह। श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोती सिंह ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, राजकेसर सिंह जी ने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था। वे एक अच्छे संगठनकर्ता के साथ साथ अच्छे जनप्रतिनिधि भी थे। रूहानियत और इंसानियत के दिव्य संदेश को दर्शाने वाले 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का भव्य आयोजन 16 से 20 नवंबर तक। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कर कमलों द्वारा समागम सेवाओं का उद्घाटन 18 सितंबर को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में किया गया। उसी दिन से चल रहा सेवा कार्य। वीरांगना उदा देवी ने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीरांगना उदा देवी को किया गया याद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजरिया गांव में हुआ था उदा देवी का जन्म। पीयू में कर्मचारी संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए बुधवार को विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन, जिसमें कोषाध्यक्ष व सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा। 22 को होगा चुनाव। बगैर आईडी दिखाए विश्वविद्यालय में कोई घुसने न पाए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति सभागार में विश्वविद्यालय की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के साथ बुधवार को कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने बैठक में जारी किया निर्देश। विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पुलिस वैन में लगी आग, दर्जनों पुलिस जैकेट जली। चंदवक थाना क्षेत्र में हुई घटना। लखनऊ से पुलिस जैकेट लेकर वाराणसी जा रही पुलिस वैन में चंदवक बाजार के वाराणसी रोड पर अज्ञात कारणों से लग गई आग। घटना में जले दर्जनों जैकेट। समरसेबल पंप चलाकर दुकानदारों के सहयोग से बुझाई गई आग।